इसराइल ने बता दिया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र की कोई परवाह नहीं। इसराइल ने अब दक्षिण लेबनान से कई इलाके खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। 22 इलाके खाली करवाने के बाद इसराइल अब हिजबुल्ला के तहखाने में ऑपरेशन शुरू कर चुका है। नेतन्याहू ने यूएन महासचिव से ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन फोर्सेस को वहां से फौरन हटाने का फरमान सुनाया। इसकी वजह से पूरे यूरोप में वॉर टेंशन बढ़ गई है। यूरोपीय देशों पर भड़का इसराइल, नेतन्याहू बोले वॉर जोन से दूर रहे यूएन फोर्स। हिजबुल्ला को जो बचाएगा इसराइल उसे जलाएगा। तेल अवीव की दहलीज को अब हिजबुल्ला लड़ाके दहलाने लगे हैं। रॉकेट से, फाइटर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चीर कर हिजबुल्ला तेल अवीव को तहस नहस करने के करीब पहुंचने वाला है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले कितने विस्फोटक हैं, इसे हरजीलिया की तबाही बयां कर रही है। इस इमारत पर ड्रोन बम फटा है। न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह ने हमले के बाद तबाह हुई बिल्डिंग के भीतर जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की है। किलोमीटर दूर से दागे जा रहे हथियार इसराइल को जला रहे हैं, तो लेबनान की तबाही भी कुछ कम नहीं। जहां इसराइल आसमान से मौत बरसा रहा है, दक्षिण लेबनान के शारबील की बर्बादी न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की आंखों देखी जानी है। हिजबुल्ला के तहखाने खुलने लगे हैं। इन अंधेरी गुप्त सुरंगों में बैठे नसरल्ला आर्मी के खूंखार फाइटर बेमौत मारे जा रहे हैं। इसराइल आर्मी की 91वीं डिवीजन हिजबुल्ला के तहखाने में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्ला के इन सीक्रेट अड्डे से भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा भी बरामद हुआ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सीक्रेट सुरंग से हिजबुल्ला लड़ाकों को जिंदा दबोचने का दावा किया है। लेबनान में सरेंडर करने वाले लड़ाके का वीडियो रिलीज कर अंडरग्राउंड बंकर की फिल्म रिलीज की गई है। आईडीएफ के मुताबिक 7 मीटर गहरे बंकर में छिपे हिजबुल्ला कमांडर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हिजबुल्ला फाइटर गुप्त गुफाओं से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर इसराइल को दहला रहे हैं। जमीन के नीचे बने बंकरों को हिजबुल्ला की रदवान फोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसराइल सीक्रेट तहखानों की तबाही के साथ हिजबुल्ला लड़ाके उन रिहायशी बस्तियों में चुन चुन कर मार रहा है, जहां वॉर कमांड कंट्रोल रूम में टॉप कमांडर बैठे हुए हैं। इसराइल ने अल शराबील बकास्ता सिडोन में एयर स्ट्राइक करके कई इमारतें जमींदोज कर दी हैं। इसराइल के बारूदी प्रहार से बौखलाए हिजबुल्ला ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला की 13 अक्टूबर की वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एन मार्गिलियाट पर ड्रोन हमला किया। हाइफा के पश्चिम में किरियात अलीयजर में इसराइल के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में हिजबुल्ला ने ड्रोन हमला कर दहलाया है। जरदाह साइट पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े को हिजबुल्ला ने निशाना बनाकर रॉकेट धमाका किया है। हिजबुल्ला ने अपने कब्जे वाले सीरियाई गोलान में होमा बेस पर रॉकेटों की बौछार की है। नईम कासिम ब्रिगेड ने जरीड बैरक में जमा इजरायली सैनिकों को रॉकेट हमलों से मार भगाया है। मलिया में इजरायली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया। रमिया साइट से पीछे हटने की कोशिश कर रहे एक इजरायली बुलडोजर को हिजबुल्ला फाइटर्स ने बर्बाद किया है। खिरबेट जरीट में इजरायली पैदल सेना को तोपखाने की गोलाबारी से घेर लिया। हाइफा के दक्षिण में आईडीएफ के हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। बलिडा, तिबेरियस, मेटूला बस्ती, कफर युवल और खिरबेत नफा में इसराइल पर रॉकेट अटैक हुआ है। इसराइल मीडिया में भी हिजबुल्ला के 35 रॉकेट अटैक की रिपोर्ट है। इसके जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला पर 200 एयर स्ट्राइक की है।
आईडीएफ की चार डिवीजन ग्राउंड बैटल में हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में जुटी हुई हैं। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर 200 हवाई हमले किए हैं। लेबनान में 12 और 13 अक्टूबर के हमले में अब तक 26 की मौत, 144 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। लेबनान फ्रंट पर जारी भीषण युद्ध के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से वॉर जोन से यूनिफिल फोर्सेस को हटाने की अपील कर दी है। אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर तैनात यूएन पीस मेकर फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। 10 अक्टूबर को भी एक सैनिक को गोली लगी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल से सफाई मांगी और यूएन पीस फोर्स को निशाना बनाने से बचने की फटकार भी लगाई थी, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने यूएन से अपील की है। हालांकि नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को क्लियर कर दिया है कि इजराइल की जगह हिजबुल्ला को यूएन को शील्ड बनाने से रोकना चाहिए। הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת. בלו ליין פר מוג'וד יואן פוסס קו קווץ' קטנה הסתמל קר חיזבאללה, איזרעאל פר בדי המלה קדנה מקמייב הוסקתה היא. इसीलिए इसराइल ने यूएन फोर्स को वॉर जोन से हटने की अपील की है। इसकी वजह गजा में इसराइल में शुरू हुए हमले भी हैं, जहां इसराइल पर जोरदार पलटवार शुरू हो गया है। बेरूत से 100 गुना बारूदी धमाके यहां हुए हैं। यहां इसराइल टैंक से गोले दाग रहा है। जंगी जेट से 20 टन के बम बरसा रहा है। आईडीएफ की मिसाइलें भी यहीं अंधाधुंध फट रही हैं। ये जबालिया है। हमास यहां युद्ध में पूरी तरह परास्त हो चुका है, मगर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जबालिया के चप्पे चप्पे को नेतन्याहू आर्मी ने खंडर बना दिया है। जबालिया की बस्तियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन जबालिया के अंडरग्राउंड सुरंगों से अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसराइल तक मार करने वाले रॉकेट जबालिया से दागे जा रहे हैं। गाजा से इसराइल पर शुरू हुए हमले ने वॉर जोन में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। हमास के काउंटर रॉकेट अटैक तब शुरू हुए जब इसराइल की सेना ने बेत हनून, जबालिया और बेत लाहिया इलाके को गाजा सिटी से काट कर अलग कर दिया है। 24 घंटे के भीतर गाजा में इसराइल के हमले से 52 लोगों की मौत हुई है, 128 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 42,000 के पार जा चुका है। लड़ाई भीषण होती जा रही है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि इसराइल अब ईरान पर पलटवार जरूर करेगा। नेतन्याहू ये सब इसलिए खुल्लम खल्ला बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका से एक बड़ा हथियार मिल गया है, इसलिए अब इसराइल को एटम बम का भी खौफ नहीं रहा। एक अक्टूबर 2024, ईरान ने इसराइल पर दागी 200 मिसाइल और देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इसराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया। इस हमले ने इसराइल में खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइल अपनी दीवार बताता रहा है, वो तो रेत की दीवार साबित हुए। इसलिए अब इसराइल को मिलने वाला है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस। ये है अमेरिका का THAAD यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस।
यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इसराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इसराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इसराइल एक बार नहीं बल्कि दो बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने दो बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इसराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसलिए दोनों तारीख इसराइल की ताकत पर धब्बा साबित हुई है। इसराइल की मीडिया में ये खबर छाई हुई है, लेबनान की मीडिया में भी यही खबर सबसे आगे है कि अब इसराइल को थार्ड सिस्टम मिलने जा रहा है। इसराइल के मीडिया में बताया गया है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के ही सैनिक चलाएंगे, यानी ये खबर इस वक्त पश्चिम एशिया में हॉट टॉपिक बनी हुई है। अब समझिए कि इसराइल को मिलने वाला अमेरिका का थार्ड सिस्टम कैसे ईरान को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये है अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया हुआ है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। क्या थार्ड अब ईरान से लॉन्च होने वाली किसी भी मिसाइल को रोक लेगा या फिर थार्ड भी फेल हो जाएगा? थार्ड भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा, जैसे इसराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जैसे इसराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और जैसे इसराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी ईरान के मिसाइल के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आया। עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הם לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. בנימין נתניהו को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडन ने अपने सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इसराइल को पहनाने की तैयारी कर ली है। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली बना देती है? ये बात इस वक्त ईरान भी जानना चाहता है, रूस भी जानना चाहता है और चीन भी जानने को बेकरार है। थार्ड सिस्टम की रेंज क्या है, इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है, इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। अमेरिका के इस सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया के मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। थार 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या ये काफी होगी? क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और अब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो इसराइल से बदला जरूर लेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। S-400 के मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस के मुकाबले थार्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थार्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधी आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। थार्ड को लेकर खबर ऐसे वक्त में आई है जब ईरान और रूस के राष्ट्रपति की मीटिंग हो चुकी है। पुतिन और पजेश्कियान दोनों बोल चुके हैं कि रूस और ईरान एक साथ हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पुतिन और पजेश्कियान के बीच तुर्कमेनिस्तान में हुई मुलाकात से जाहिर है कि सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका और इसराइल को ही होगी। Должны будут там подписаться, мы сделаем все для подписания этих документов.
انشاءالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون. ایران و روس کی اکجٹتا بڑھنے کا جواب ہی تھارڈ میسائل ڈیفنس سسٹم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک طرف روس ایران کے ساتھ ہے تو دوسری طرف بائیڈن کا ہاتھ نتنیاہو کے سر پر ہے. کل ملا کر امریکہ اور اسرائیل اب خطرناک پرمانو مسائلوں کو لے کر تیاری کر چکے ہیں, لیکن کیا ایران اس سے دباؤ میں آئے گا یا پھر اسرائیل کے باقی ڈیفنس سسٹم کو ہرانے کے بعد وہ امریکہ کے اس میسائل ڈیفنس سسٹم کو بھی ہرا دے گا. इजराइल ने युद्ध में अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 उतार दिया है जो उसे अमेरिका से मिला है. इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि ईरान को रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, इसलिए फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुभ होने वाला है. ईरान और इजराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ साफ अब नजर आ रहा है. इसराइल ने उतार दिया है अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 जो उसे अमेरिका से मिला है. इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि ईरान को मिल गया है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसलिए फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुभ होने वाला है. ईरान और इसराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है. अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली है. इस युद्ध में सबसे नए हथियारों के मुकाबले की 100% गारंटी है. साथ में दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के हथियारों का ऐसा मुकाबला हो सकता है जो दुनिया ने यूक्रेन की जंग में भी नहीं देखा. इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब रूस ने खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है. लेकिन दूसरी तरफ बाइडन है और बाइडन की पूरी कोशिश है कि इसराइल के हथियारों की धार कम ना हो. सवाल है कि इसराइल अब ईरान से बदला कैसे लेगा. ईरान पर हमला करने के लिए उसके पास टारगेट तो हैं, लेकिन उन पर वार करने के लिए इसराइल के पास सबसे बड़ा हथियार F-35 ही है. दूसरा हथियार इसराइल की जेरिको मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है. ऐसी मिसाइल को इसराइल ज्यादा पेलोड यानी विस्फोटक से लैस करके ईरान पर बरसा सकता है. इसराइल के ये दोनों हथियार उसके मजबूत विकल्प हैं, लेकिन इनमें से F-35 को ईरान भेजना बड़ा जोखिम उठाना जैसा है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि इसराइल के इस फाइटर जेट को रोकने के लिए उसके पास रूस वाली गारंटी है. अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, या फिर रूस इसे बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में ऑपरेट कर रहा है. یه خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اونچه ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه. برای هر عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. सवाल है कि क्या F-35 जैसे खुफिया फाइटर को रूस का S-400 रोक सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को ईरान पर जवाबी हमला बहुत भारी पड़ सकता है. F-35 दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा.
F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। अगर इसराइल ने इसे लॉन्च किया तो इसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट अड्डे होंगे, तेल के ठिकाने होंगे, ईरान की लीडरशिप होगी। ईरान को भी पता है कि इसराइल का F-35 छुपकर हमला बोल सकता है। ये ईरान के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अब सवाल है कि इसके खिलाफ ईरान क्या रणनीति अपनाएगा? तो जवाब है S-400, जो दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो स्टेल्थ विमानों को भी गिरा सकता है, ऐसा रूस का दावा है। अगस्त में ईरान आए रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू से ईरान ने यही डिमांड रखी थी। ईरान ने रूस से S-400 मांगा था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को S-400 मिल चुका है। ईरान की मांग को लेकर शोइगू ने साफ कहा था कि हम हर क्षेत्र में ईरान से सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब समझ लीजिए कि S-400 को लेकर पुतिन ने क्या फैसला लिया होगा। इस तरह की भी रिपोर्ट आई है कि ईरान में S-400 को ऑपरेट रूस के ही टेक्नीशियन और इंजीनियर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ईरान की फोर्स इस सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएगी। अमेरिका बार बार कहता आया है कि रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसलिए यूक्रेन में रूस के ईरानी ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरह से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। We believe that global markets are well supplied and continue to expect that in the US we'll continue to see those low gas prices. और इसी के साथ